हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ हिस्ट्री चैप्टर 5 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंट कल्चर एंड द लाइफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज उसकी सेक्शन 5 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं 19th सेंचुरी के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया कि 19th सेंचुरी में किस तरह से मास लिटरेसी रेट जो था वो यूरोप में बढ़ रहा था और बहुत ज़्यादा नंबरिंग में न्यू रीडर्स जो थे वो मतलब देखने को मिले। उनमें चिल्ड्रन भी थे, वुमेन भी थी और वर्कर्स भी थे। चलिए आप स्टार्ट करते हैं हम लोग 5.1 को, जिसमें चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो कंपलसरी हो गई थी 19th सेंचुरी में ही, लेट 19th सेंचुरी में ही। और चिल्ड्रन जो थे वो मेन कैटेगरी बन गई थी रीडिंग वाले, ठीक है, जो रीड कर रहे थे प्रिंटेड मटेरियल को। अब प्रोडक्शन जो थी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में वो क्रिटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो थी उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ रही थी, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें जो थी जैसे चिल्ड्रंस प्रेस जो थी वो बनाई गई, जिसमें लिटरेचर बताया गया सिर्फ चिल्ड्रन के बारे में ही कि क्या उनको पढ़ना है, कैसे पढ़ना। और ये कब स्टार्ट करी गई जो चिल्ड्रंस प्रेस थी, बच्चों की जो प्रेस थी वो फ्रांस में सेट करी गई 1857 में, जब ये इंडिया में रिवॉल्ट हो रही थी। और ये जो प्रेस थी उसमें क्या बताया गया, जितनी भी पब्लिशिंग प्रेस थी वो क्या करती, नए काम जो थी और साथ साथ में फेयरी टेल्स के बारे में बताया जाता, फॉल्क टेल्स के बारे में भी बताया जाता कि किस तरह से मतलब वो टेल्स के बारे में, कि ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो और इजिली वो क्या कर पाए मतलब इन स्टोरीज़ को पढ़ें। अब ग्रिम ब्रदर्स जो थे जर्मनी के, उन्होंने बहुत सारे ईयर्स स्पेंड किए, मतलब बहुत सारे साल लगाए बहुत सारी ट्रेडिशनल फॉल्क टेल्स को इकट्ठा करने में और साथ में पीजन से रिलेटेड भी। और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मतलब पीजेंट से उन्होंने ये बातचीत करके कुछ टेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर की, आफ्टर दैट उन्होंने पब्लिश कर दिया अपने वर्क्स को। तो अब ये बताया गया कि क्या जो वो कलेक्ट कर रहे थे, मतलब जो भी नॉलेज कलेक्ट कर रहे थे सब वो एडिट कर रहे थे। कब एडिट कर रहे थे, उनकी जो स्टोरीज़ के कलेक्शन आती थी जो 1812 में उन्होंने इस्टेब्लिश करी, उसमें वो सारी चीज़ें इंसर्ट कर देते जो वो नॉलेज अपना प्रीवियस गैदर करते लोगों से बातचीत करके। हर एक चीज़ जो थी वो अनसुटेबल मानी गई स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, और बहुत ज़्यादा वल्गर, हम लोग बोल सकते वल्गर थी इलीट्स के लिए, जो कि इंक्लूड नहीं करी गई पब्लिश वर्जन में, जो उसमें इंसर्ट नहीं करी गई मतलब मिलाई नहीं गई। अब रूलर फॉल्क टेल्स जो थी उसमें न्यू फॉर्म्स लाई गई, मतलब न्यू तरीके लाए गए जिससे कि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करा जाए, उनमें क्रिएटिविटी ला सकें, उनमें स्किल्स जो हैं वो डिवेलप कर सकें, ठीक है। तो जिससे बच्चों का जो मतलब एक एजुकेशन है वो थोड़ी सी हम लोग बोल सकते डायरेक्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रिंट था उसको क्या कहा गया, उसमें ना रिकॉर्ड करेगी ओल्ड टेल्स जो थी, पुरानी जो मतलब कहानियाँ या फिर जो भी थी सारी चीज़ें उनको थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। वुमेन जो थी वो इम्पोर्टेंट रीडर बन चुकी थी और साथ ही साथ वो राइटर भी थी। वो अपने ही लाइफ स्केच के बारे में, मतलब अपनी लाइफ से रिलेटेड उसमें नॉवेल्स भी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। पैनी मैगजीन्स जो थी वो स्पेशली वुमेन्स के लिए ही थी, जिसमें मैनुअल टीचिंग्स दिए जाती, प्रॉपर बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हाउसकीपिंग कैसे करनी है, मतलब किचन से रिलेटेड डोमेस्टिक इश्यूज़ के बारे में उनको वहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड होती। जब नॉवेल्स स्टार्ट हुए, नॉवेल्स को लिखना स्टार्ट किया गया 19th सेंचुरी में, वुमेन जो थे उस टाइम पर इम्पोर्टेंट रीडर्स बन चुकी थी, मतलब मेन जो नॉवेल्स पढ़ने वाले लोग थे वो वुमेन कैटेगरी थी उस टाइम पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया बेस्ट नॉन नॉवलिस्ट जो थी वो कौन थी, जैन ऑस्टिन थी, ब्रॉन्टी सिस्टर्स थी और जॉर्जी इलॉयड थी, ठीक है। ये तीन जो थे वो मेन सपोर्टर्स थे, मेन हम लोग बोल सकते नॉवलिस्ट थे जो वुमेन थी, ठीक है। और उनकी राइटिंग्स जो थी बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, जिन्होंने एक वुमेन के बारे में, उनकी विल पावर के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में और पावर ऑफ थिंक के बारे में अपने नॉवेल्स में लिखा हुआ था। और उस टाइम की लीडिंग लाइब्रेरीज जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई, जो कि 17th सेंचुरी से ही वर्किंग में थी, ठीक है। और 19th सेंचुरी में देखा गया ये जो लेंडिंग लाइब्रेरीज हैं इंग्लैंड की, वो मेन इंस्ट्रूमेंट बन गए थे जो क्या कर रहे थे, एजुकेट कर रहे थे वाइट कॉलर वर्कर्स जो थे, और साथ में आर्टिशंस हो गए, लोअर मिडिल क्लास
पीपल हो गए, उनको एजुकेट कर रहे थे, मतलब उनको प्रॉपर अवेयरनेस और कॉन्शियस कर रहे थे. कई बार हम लोग ये बोलते कि जो सेल्फ एजुकेटेड वर्कर्स थे, वर्किंग क्लास थी, वो लोग खुद से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया. और जैसे कि यहाँ पर बताया गया, जब उनके वर्किंग डेज होते, वर्किंग डे के बाद वो क्या करते, जब उनको थोड़ा बहुत टाइम मिलता मिड 19th सेंचुरी में, तो वर्कर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, खुद को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया. अब वो सेल्फ एक्सप्रेशंस जो थे उनको, मतलब उनके बारे में जो भी नॉलेज उनको प्रोवाइड होता, वो क्या कर देते, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया. ठीक है, और वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स के बारे में लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ के बारे में लिखते हैं. स्पेशली उस टाइम पर ऑटोबायोग्राफीज़ जो थी वो मोस्टली लिखी गई थी. आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज.